काफ़ी मज़ा आया. इनफैक्ट आई लाइक गोइंग टू रेडियो स्टेशन. मुझे बहुत मज़ा आता है वहाँ पे जो कॉन्वर्सेशन होती है, मस्ती मजाक होती है. आई रियली एंजॉय इट. तो इस बार अच्छा था एंड इस बार डिफरेंट भी था क्योंकि मेरे दो एलियन साथी भी थे मेरे साथ. सो इट्स गुड फन. जी सब मुझे पता नहीं क्यों देखकर मेरे चेहरे को लगता है कि लोग मैं गा सकती हूँ, बट आई रियली कैन नॉट सिंग एंड प्लीज़ डोंट मेक मी सिंग. ऑफकोर्स जो नॉर्म होता है गोइंग टू मॉल्स, गोइंग टू टीवी शोज एंड ऑल ऑफ दैट, वो तो चलने ही वाला है अभी सिलसिला. एंड इनफैक्ट 31 अगस्त को रिलीज होने वाली, तो उससे पहले एज मच एज वी कैन डू वी आर गोना डू. आइटम नंबर को बहुत लूजली यूज़ किया जाता है. हर गाना जो अगर आपको सोलो लगे तो आपको आप आइटम नंबर कह देते हैं उसे. इनफैक्ट राउडी राठौड़ में जो छम्मक छलो छैल छबिली थी उसे भी लोगों ने आइटम नंबर कहा था. बट दिस इज़ अ वेरी स्पेशल सॉन्ग. इट्स अ गुड सॉन्ग. इट्स विथ प्रभु सर. इट्स फॉर अक्षय होम प्रोडक्शन OMG. एंड यू नो इट्स आपने अगर गाना देखा होगा तो इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम मोस्ट ऑफ द आइटम नंबर्स दैट आर देयर टुडे. एंड बहुत ही मज़ेदार गाना है. अब ये मेरा नॉर्मल लुक है डेली लाइफ में. मैं जीन्स और टी शर्ट पहनती हूँ, तो आपको बस सब को गोविंदा सॉन्ग हिट हो गया है तो आपको वही लुक लग रहा है. मैं अपने लाइफ में मैं ऐसी फिल्में करती हूँ जहाँ पर मुझे डांस नाच गाने में पागल होना पड़ता है, जैसे आपने राउडी राठौड़ में देख लिया होगा. एंड ऑल थैंक्स टू प्रभु सर. एंड आई गेस आगे जाकर वो बहुत काम आ गया क्योंकि दोज आर द काइंड ऑफ सॉन्ग्स एट वर्क. एंड जोकर में भी ऐसी काफ़ी सीन्स है, काफ़ी सॉन्ग एंड डांस नंबर्स है जहाँ पर पागलपन दिखाने का मौका मिला है.